दिए मिटाए, जिसको बेटी दे तू मालिक उसको गरीब न दियो बनाए, पैसे की खातिर दुल्हन पर होते जुल्म है तुम्हें बताए, किसी ने घर से निकाला इसको, किसी ने दुल्हन दी है जलाए, बंद करो ये जुल्म जालिमो, जुल्म बेटियों पर ना ढाए, सबसे बड़ा दहेज है दुल्हन, सबता ये पैगाम सुनाए, सबसे बड़ा दहेज है दुल्हन। किसी का दिल न दुखाए, तंग दस्ती और घर में गरीबी, चैन से रोटी ना खा पाए, उसकी एक जवान थी बेटी, नाम जुबेदा तुम्हें बताए, बेटी की शादी के फिक्र में, माँ बीमार हुई बतलाए, कुछ दिन के ही बाद में वो तो अल्लाह को प्यारी हो जाए, बाप के कंधे पर सर रख के बेटी रो रो के फरमाए, बाप के कंधे पर सर रख के। अबू, हम मम्मी के बगैर कैसे रह पाएंगे, हम तो तड़प तड़प के मर ही जाएंगे अबू, कैसे रह पाएंगे अबू। बेटी बेटी खुदा पर भरोसा रखो, वो बड़ा रहीम करीम है, वो ही सबकी आबरू रखने वाला है, सबको संभालने वाला है। बेटी निकलना, भाई बिरादर बात बनाए, हुक्म आपको सिर आंखों पर, अब्बू आप नहीं घबराए, रखे ख्याल अपने अब्बू का, खिदमत में कोई कमी ना आए, जरा उदास हो दे जो बाबुल लेती फौरन उन्हें मनाए, जरा उदास हो दे जो बाबुल। दिल में सब्र से दिन वो रहा बिताए, धन और दौलत नहीं पास में, मांग दहेज की बढ़ती जाए, जिसके दर पर जाए अब्दुल, हर कोई उसको ठुकराए, ताने कसे अब करने लगे हैं, शहर के सारे लोग बताए, कैसा है लड़की का बाप तू, शादी इसकी करना पा, कैसा है लड़की का बाप तू। अरे अब्दुल भाई, अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई सलाम। कहो कादिर भाई, कैसे आना हुआ? अम्मा मियां क्या खाक फरमाया। अरे तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि तुम्हारी लड़की अब जवान हो गई है, है कि नहीं, और इसकी शादी के बारे में सोचो, क्या कुआरी रखोगे मियाँ? भाई हमारा तो काम तुम्हें समझाने का है, अब आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा खुदा हाफिज मियाँ। मियाँ
अब्बू को, बेटी जुबेदा करे सवाल क्यों इतने मायूस हो अब्बू, किस बात का तुम्हें मलाल, क्या मेरी खिदमत में कोई कसर हो तो हमें बताए, आप के लाड़ प्यार में मैंने अम्मी की याद दी है भुलाए, बेटी की सुन बात बाप के आंसू फिर तो ना रुक पाए, बेटी की सुन बात बाप के। दरबादर की ठोकर खाए, बेटे वालों की मांग को हम पूरी कैसे कर पाए, भाई बिरादर ताने देते, इज्जत अपनी कैसे बचाए, बाबुल की बातें सुन करके बेटी जुबेदा रही समझाए, अल्लाह बहुत बड़ा है अब्बू, रहमत वो सब पे बरसाए, करूं भरोसा उस मालिक पर, काम तुम्हारी सब बन जाए, करो भरोसा उस मालिक पर। अब्बू आप मेरी शादी की फिक्र ना करें, कोई तो होगा जो गरीब की बेटी को अपनाएगा, अम्मी के इंतकाल के बाद आपके सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में। अब्बू अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अब्बू सब्र से काम लीजिए, उठिए, नमाज का वक्त हो गया है, वजू कर लीजिए। हाँ बेटी, उसी की बारगाह में दुआ करूंगा, वही मेरी मुश्किलों को आसान करेगा। सबका मालिक कहलाए, वा इज्जत और तेरे करम से, बेटी मेरी रुखसत हो जाए, कमली वाले के तुफेल में, या रब लाज मेरी रह जाए, हुआ असर फिर उसकी दुआ का, करम खुदा का तुम्हें बताए, उसी शहर में एक अमीर था, मालदार आला कहलाए, उसका था बस एक ही लड़का, था शरीफों ने कपटाए, उसका था बस एक ही लड़का। उस अमीर की थी ये तमन्ना, बेटे की बहू ऐसी लाए, नेक नियत में हो वो अच्छी, और फरमा बरदार कहा है, बेटे की माँ बड़ी तेज थी, जिसके आगे ना चल पाए, एक दिन वो अपने शोहर को अपनी मन की बात बताए, अपने बेटे के लिए हम अपने भतीजी को ले आए, मेरा भाई है पैसे वाला, मिले दहेज इतना बतलाए, फ्रिज टीवी जेवर और गाड़ी, रुपया नगद खूब मिल जाए, फ्रिज टीवी जेवर और गाड़ी। मेरी बात मानो रईस की अम्मी, तुम अपने भाई की लड़की को अपने घर में मत लाओ। क्यों? क्या कमी है मेरी भतीजी में? पढ़ी लिखी है और अल्लाह के फजलो करम से खूबसूरत भी तो है, मेरे बेटे की और उसकी जोड़ी खूब जमेगी। हाँ आप सुन लीजिए। वो ठीक है, पर हमारे घर में निभेगी नहीं, जुबान की चालाक और तेज है, और तुम्हारी इज्जत भी नहीं करेगी, और तो और तुम्हारे रईस को भी परेशान करके रख देगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, वो सोने की मुर्गी है, उसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? तो मेरी बात भी सुन लो, मैं अपने लड़के की शादी वहाँ नहीं करूँगा, अब मैं
मैं तो किसी गरीब की लड़की को ही लाऊंगा। लड़की के बाप ने चार पाई पर लिया बैठाए, दौड़ी दौड़ी गई जुबेदा, ठंडा पानी लेकर आए। देख अमीर ने उस लड़की को, खुशी से दिल उसका खिल जाए कि मेहमानी उस अमीर की। फिर अब्दुल उससे फरमाए, मेरे गरीब खाने पे आपने कैसे की तकलीफ बताए, मेरे गरीब खाने पे आपने। बोल अमीर फिर हाथ जोड़कर, भाई जान सुन बात बताए, अपने लड़के के लिए हम आपकी लड़की मांगने आए। आपकी लड़की नेक मंद है, सूरत सीरत हमको भाए, लड़का मेरा सीधा सादा, अगर यहाँ रिश्ता हो जाए खुश किस्मत समझूंगा अपनी, रिश्तेदार हम ले बनाए, करो कबूल मेरा ये रिश्ता, मुझ पे इनायत दो फरमाए। बोला अब्दुल मैं गरीब हूँ, आप बहुत अमीर कहाए, बोला अब्दुल मैं गरीब हूँ। अरे भाईजान, आप इस शहर के इतने अमीर हैं और मैं ठहरा एक मामूली सा दर्जी, मेरे पास सिवा लड़की के कुछ देने को नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं, इसलिए आप अपने बराबरी वाले के साथ रिश्ता करें। मैं माफी चाहता हूं भाईजान, आप मेरी बात का बुरा ना माने। अरे भाईजान, अमीरी और गरीबी तो उस मालिक की देन है, दौलत सदा किसी के पास नहीं रहती। मैं मानता हूं कि आप गरीब हैं, पर आप शराफत और इंसानियत में हमसे कहीं ज्यादा बड़े हैं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी लड़की ही मुझे चाहिए। मेरी बात को खुदा के वास्ते मत टालो, हाँ कर दो भाईजान। तुम्हें बताए, पहले भाई बिरादर में तुम एक बार तुम पूछ लो जाए, अपने घर में करो मशवरा, बेटे से भी सलाह बनाए। है जवान मेरे भाई के बेटे, उनसे हम भी सलाह मिलाए, बेटे बेटी के रिश्ते में कभी न जल्दी आप मचाए। बोला अमीर अच्छा भाई हम तो कल फिर आपके पास में आए, बोला अमीर अच्छा भाई हम। दूसरे दिन फिर बेटे वाला अब्दुल के घर वापस आए, अपने द्वार पर बैठा अब्दुल हुक्का अपना रहस्य लगाए कि सलाम फिर उस अमीर ने, अपनी राजी दी बतलाए, मुझको है मंजूर है रिश्ता, अपनी ही मर्जी हमें बताए, लड़के को भी साथ में लाया। देख लो तुम भी भाई जान, बीए पास सरकारी मुलाजिम, साबित है इसका ईमान, एक लड़का और एक है लड़की, मेरा ये परिवार बता, एक लड़का और एक है लड़की। देखो
देखो भाईजान, मेरी ये लड़की बड़ी नेक है। मैंने इसे बड़े लाड़ प्यार से पाला है। इसकी माँ 5 बरस पहले अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं ही इसका बाप हूं और मैं ही इसकी माँ हूं। हाँ, इसके 2 चचेरे भाई हैं जो इसे दिलो जान से चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी जिस घर में जाए सुखी रहे, इसे किसी तरह की तकलीफ ना हो। आप फिक्र ना करें भाईजान, आपकी बेटी आज से हमारी अमानत है। हम इसका भरपूर ख्याल रखेंगे। तो फिर ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? अब अल्लाह की यही मर्जी है तो मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा, आप अपने लड़के को जरा इधर बुलाओ। मेरे पास ये 101 रुपया है, इसे सगाई का शगुन समझकर अपने पास रख लो बेटा। गरीब की बेटी है, निभा लेना। अच्छा, कल ईद के चांद की 11 तारीख है। आप चांद की 22 तारीख को अपने रिश्तेदारों के साथ निकाह के लिए आ जावे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमें मंजूर है। चलो बेटा। रिश्तेदार सब खुशी मनाए, होने लगी जब बेटी रुखसत। चेहरे सबके गए मुरझाए, तड़प तड़प के बाबुल रोए। रोए सहेलियां सुबह, हुए जुबेदा आज पराई। बाबुल का घर छोड़ के जाए, रोए चचेरे भाई उसके। बहन हमें ना दियो भुलाए, माँ की याद बेटी को आई। गिरी जमी पे होश गवाए, माँ की याद बेटी को आई। छोड़ चली मैं बाबुल तुझको, छोड़ चली तेरा ये दुआ। कौन खिलाएगा तुम्हें खाना, कौन करेगा तुमको प्यार। बोले बाबुल मत रो बेटी, सदा रहेगी तू खुशहाल, मेरा तो अल्लाह है मालिक। जा बेटी अपनी ससुराल, सास ससुर की खिदमत करना। कुल की लाज लियो बचाए, भरा रही खुशियों से दामन। कभी नगम के झोंके आए, निगहवान ही अल्लाह तेरा। बेटी को बाबुल समझाए, निगहवान ही अल्लाह तेरा। बेटी बेटी, आज से तेरे सास ससुर ही तेरे माँ बाप है, इनकी खिदमत करना। जा जा बेटी, तू सदा सुखी रहे। अच्छा भाईजान, अब आप परेशान ना हो, हम लोग चलते हैं। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहो बेटे। अरे करीम रहीम, जरा मेहमानों को आगे तक छोड़ दो। जी चाचा जान। सब फरमाए, ससुर की मर्जी से हुई शादी। सास के मन को वो ना भाए, बोली पड़ोसन ए रिजमिला। दुल्हन तेरी खाली आए, ना लाई दहेज का सामा। जेवर इस पे
बोली, बहन तुम्हें हम क्या बतलाए, फक्कड़ घर से आई है ये, फूट मुकद्दर में रहाए, फक्कड़ घर से आई है ये। सूरत ले आए भाई बिरादर हंसी उड़ावे, क्या हम उनको मुंह दिखलाए, मेरी भतीजी गोरी भूरी, मेरे शोहर ने दी ठुकराए, आई मनुसिप मेरे घर में, ताने सासुल रही सुनाए, ओए गरीबी बदनसीबी, देखो कैसा खेल दिखाए, घूंघट में से दुल्हन रोए, लाल दुपट्टा भीगा जाए, घूंघट में से दुल्हन रोए। अरे बरकत की माँ, अरे क्यों क्लेश मचा रखा है? अरे नई नई बहू आई है, जाओ सगुन का काम निपटा लो। नई दुल्हन की खुशी होगी आपको, मेरी मर्जी की दुल्हन आती तो मैं देखती, मेरी तरफ से चूल्हे में जाए नई बहू। हाँ अम्मी, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? खुदा के वास्ते अब इतना गुस्सा भी ना करो। अमीना, अरे अमीना जाओ अपनी भाभी जान को अंदर ले जाओ और कुछ खिलाओ पिलाओ। भाई जान, अभी तो भाभी को 4 दिन भी नहीं हुए और आप अभी से इनकी जी हुजूरी में लग गए हैं। आप रखो भाभी जान का ख्याल, हम नहीं रखते। सालन में नमक बतावे, कभी वो रोटी जली बताए, रोज करे बेटे सी चुगली, जालिम बहू को रही पिटवाए, दुल्हन को दे सूखी रोटी, हलवा पराठे सासुल खाए, नुक्ता चीनी करे कम में, जुल्म बहू पे रही वो ठाए, जुल्म सहे गरीब की बेटी, मुँह से उफ तक कहना पाए, जुल्म सहे गरीब की बेटी। बेटी की जब याद सताई, बाबुल बेटी के घर आए, खड़ा हुआ समधी के द्वार पर, बेटी बेटी राह चिल्लाए, सामने बैठी डायन समधिन, घर के अंदर नहीं बुलाए, करके सलाम अंदर वो आया, समधिन से वो राह फरमाए, कहा है मेरी प्यारी बेटी, हमको उससे देव मिलाए, झुंझला के बोली है समधिन, बेटी से मिलने को आए, शर्म नहीं आई है तुमको, बेटी के घर खाली आए, शर्म नहीं आई है तुमको। वो दरअसल मैं जल्दी में आया था, इसलिए कुछ नहीं ला पाया। ये जलेबी लाया हूँ, ये लीजिए। क्या ये जलेबी लाए हो? अरे इसे तो हमारे मोहल्ले के कुत्ते भी नहीं खाते, ले जाओ इसे, अपनी बेटी को दे दो ले जाके। अब्बू, आपको इतने दिनों में मेरी खबर आई है, आपको मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया। बेटी सब्र से काम ले बेटी, अरे 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 ये तेरे जिस्म पर गांव कैसे हैं? बेटी बोल, ये तेरे जिस्म मेरी फूल सी बेटी की
क्या हालत हो गई है? बता बेटी क्या हुआ तुझको? बता बेटी क्या हुआ? सारा राज छुपाया दिल में, बेटी बाप को रही समझाए, हो गई थी बीमार में अब्बू। क्यों आप अब्बू घबराए, हर बात के ठाट बाट है, किसी चीज की कमी है ना है, अपने हाल बताओ अब्बू। मेरे बिन दिन कैसे बताया, वक्त से आपने खाना खाया या फिर भूखे ही सो जाए, वक्त से आपने खाना खाया। बेटी की सुन बात, बाप की आंखों में आंसू भरिया, तेरे बिना सुना है आंगन, हरदम तेरी याद सताए, मेरी फिक्र न करियो बेटी, है मुझको बेटी तेरे, पूरे कर न सका अरमान, अच्छा बेटी खुश रहना तू, अब हम घर को वापस जाए, चला बाप बेटी से मिलकर, मुड़ मुड़ पीछे देखता जाए, चढ़ गए सास नंद के तेवर, दुल्हन से वो तो फरमाए, चढ़ गए सास नंद के तेवर। क्यूरी क्या चुगली कर रही थी अपने बाप से हमारी? ये आप क्या कह रही हैं? अम्मी जान, मैंने अपने अब्बू से ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने तो अपने बाबुल को पानी भी नहीं पिलाया, जैसे आए मेरे अब्बू वैसे ही घर वापस लौट गए। भाभी जान, हमें इस बात का ताना क्यों देती हो? हमने थोड़ी मना किया था पानी के लिए। अरे हमें क्या पता तूने अपने बाप को अंदर ले जाकर पानी पिलाया या खाना खिलाया। अच्छा भाभी, तुम्हारे अप्पू यहाँ किस लिए आए थे? कैसी बात करती हो अमीना, मेरे अप्पू तो मुझसे मिलने आए थे। अरे मिलने आए थे, क्यों झूठ बोलती है? तेरा बाप कुछ पैसा टका मांगने आया होगा और तूने दे दिए होंगे हमसे छिपा के। खुदा के वास्ते ऐसा इल्जाम मत लगाइए अम्मी जान, ऐसा इल्जाम मत लगाइए। तेरी ये मजाल, हाँ अभी बताती हूँ तुझे, तेरी ये मजाल ले अभी सबक सिखाती हूँ, इस छड़ी से मारूंगी ना तब समझ में आएगा तुझे। ले, 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 देख न पाए क्यों मेरी बेटी को ऐसे पीट रही, ओम को बतला क्या कुसूर किया है इसने, क्यों इसको तुम रहे सताए, ले जा अपनी इस बेटी को, सास नंद दोनों फरमाए, बेसहूर है तेरी बेटी, मेरे घर के लायक ना है, काम काज कुछ करती नहीं है, बैठ पलंग पे रोटी खाए, काम काज कुछ करती नहीं है।
जाए, मुझसे जुबानी चलाती है तू। अब तो घर में ना रह पाए, मार के धक्का घर से बाहर। सास ने बहू को दिया निकाल, किया जलील बेटी के बाप को। इज्जत का ना किया ख्याल, चल बेटी अपने घर को तू। दुख तेरा हम सह ना पाए, कदर नहीं है यह गरीब की। ये पैसे वाले कहलाए, कदर नहीं है यहाँ गरीबी। अब्बू, बाप के घर से बेटी की टोली उठती है और ससुराल से उसका जनाजा। अब मैं इस घर से मरने के बाद ही निकलूंगी अब्बू। आप मेरी फिक्र ना करें, मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दे अब्बू। आप यहाँ से चले जाए अब्बू। आप यहाँ बेइज्जत हो, ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। आप यहाँ से चले जाइए अब्बू, चले जाइए। ठीक है बेटी, मैं जाता हूँ। पर जाते जाते तेरे ससुराल वालों को ये हिदायत देता हूं कि अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं ईंटों से ईंट बजा दूंगा। अरे चल जा यहां से, फक्कड़ कहीं का, फिर इस दहलीज पर कदम भी मत रखना, समझा? कैसे दुल्हन को बदला जाए, बेटे की कर दूसरी शादी। माले दहेज हमको मिल जाए, अपनी भतीजी लाऊं घर में। खुशहाली घर में तब आए, कभी बहू को भूख मारे, कभी नए इल्जाम लगाए। देखो गरीब की बेटियों को कैसे हर कोई ठुकराए, बदल गया इंसान आज का। इंसानियत गई भुलाए, बदल गया इंसान आज का। मौका पाके सास नंद ने साजिश अपनी दी है रचा, गहरी नींद में दुल्हन सोई। सास नंद कमरे में आए, लाई नंद मिट्टी का तेल है। सास ने माचिस लाई उठाए, किए बंद खिड़की दरवाजे। आग दुल्हन बेदई लगाए, लगी आग जब तन के ऊपर। दुल्हन की आंखें खुल जाए, इधर उधर भागी बेचारी। चीखे दुल्हन और चिल्लाए, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। कोई पुकार नहीं सुनवाए, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। क्या हुआ? मुझे तो डर लग रहा है। अम्मी, अब क्या होगा? कहीं किसी ने हमें देख तो नहीं लिया? भाभी को आग लगाती। अरे क्यों शोर मचाती है? किसी ने नहीं देखा हमें। हम झूठा झूठा रोकर शोर मचाते हैं, जिससे पास पड़ोसियों को भरोसा हो जाएगा कि बहू ने खुद ही अपने ऊपर आग लगा ली होगी। अरे अरे बचाओ, चिल्लाना। हाँ बचाइए बचाइए। अरे बचाओ, कोई बचाओ, मेरी दुल्हन का बचाओ। ये क्या हो गया है मेरी दुल्हन? अरे अरे क्या हुआ? अरे जमीला बहन, क्या हुआ जमीला बहन? अरे अरे ये क्या हो गया जमीला बहन, क्या हो गया, क्यों शोर मचा रही हो? अरे देखो जल्दी आओ, कोई बचाओ, मेरे बेटे की दुल्हन ने आग लगा ली। मैं तो लुट गई, मेरी दुल्हन। और
अरे अरे कोई बहू के मायके खबर कर दो। अरे अख्तर भाई डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को। खुदा की तुम पर दो जग की तुम्हें आग जलाए, चली है आज गरीबी की बेटी। घर न अमीरों का बच पाए, हाय गरीबी की तुम पे पड़ेगी। खुदा कहर तुम पे बरसाए, हाय गरीबी की तुम पे पड़ेगी। सुन फरियाद तुम मेरी, अपना देख इंसाफ सुना। दुनिया में दहेज है दुश्मन, इसको जड़ से दे तुम मिटाए, होता जुल्म बेटियों के ऊपर। माँ का कलेजा निकला जा, वो जलील यार गरीब है। यार अब आबर तू ही बचा, रो रो के फरियाद करे वो बेटी का गम सा न जाए। चचा जान क्या हुआ, हमें तो बताओ। बेटा बेटा वही हुआ जो गरीब की बेटी के साथ होता है। बेटी के ससुराल वालों ने। अरे मैं बताता हूँ करीम भाई, सुबैदा को उसके ससुराल वालों ने आग लगाकर जिंदा जला दिया। क्यों, हमारी बहन को जालिमों ने जिंदा जला दिया? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अब्दुल चाचा उठो चलो पुलिस को लेकर, कहीं वो भाग ना जाए। तुम ठीक कहते हो, इन दहेज के दुश्मनों को, इन दहेज के दुश्मनों को बख्शना ठीक नहीं। मैंने जरूर सजा दिलाऊंगा। तो चलो। नंद दोनों घबराए, खड़ा जमाई सिर को झुकाए, बाप का चेहरा भी मुरझाए। लिया बयान जब पुलिस ने उनको, समधी हाथ जोड़ फरमाए, झूठ नहीं बोलूंगा साहिब, बात ये सच्ची तुम्हें बताए। लड़का हमारा घर पे नहीं था, हम परदेश से आज ही आए, बहू हमारी किसने जलाई। बात हमारी समझ ना आए, बहू हमारी किसने जलाई। लड़की का भाई फिर भड़का, सुनो दरोगा ध्यान लगाए, मेरी बहन की सास लालची,
चाहती थी दहेज बताए, करती थी ये जुल्म बहन पर, नंद के हाथों से पिटवा, इसी की है ये सारी साजिश, इसी ने बहन को दिया जलाए। सुनी बात दुल्हन के भाई की, सास नंद दोनों घबराए, शर्म से चेहरे पीले पड़ गए, डर कर थर थर कांपता जाए, बदल गया फिर माँ से बेटा, पुलिस को सच्ची बात बताए, बदल गया फिर माँ से बेटा। इंस्पेक्टर साहब, मैं खुदा को गवाह करके सच्चाई से आपको बता रहा हूँ कि मेरे वालिद ने मेरी शादी इस गरीब की बेटी से की, इससे मेरी माँ खिलाफ हो गई। वो चाहती थी कि मेरे बेटे की शादी किसी पैसे वाली लड़की से हो, जहां मुझे पैसे, जेबर और तमाम प्रकार का दहेज मिले। ये हसरत मेरी माँ की तो पूरी हुई नहीं, और फिर उसने मेरी बहन अमीना से मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। क्या तू मेरा बेटा होकर मुझ पर इल्जाम लगा रहा है? अरे यो डायन, तू माँ कहलाने के काबिल नहीं है, बेटी तेरी भी है, तुझे उस खुदा का जरा भी खौफ ना रहा। जालिम ने दिया जलाए, तूने जलील किया है हमको, माँ कहने के काबिल ना है, थूक रही है भाई बिरादर, इज्जत गई वो अब ना आए, तूने तो दौलत के खातिर ले ली एक अबला की जान, तेरे घर में भी है बेटी, तुझको रहा नहीं ये ध्यान, खुदा करे बेटी के गम में तू भी तड़प तड़प मर जाए, खुदा करे बेटी के गम में। बेटा माँ को देता बद्दुआ, पड़ी खुदा की जब फटकार, कातिल माँ का दिल ये पिघला, बहने लगी अश्कों की धार, कर दे माँ मुझको तू बेटा, मैं हूँ तेरी गुनाहगार, पड़े मेरे इस जिस्म में कीड़े, मिले नहीं मुझे चैन करार, मैंने जलाया तेरी बहू को, जहन्नम की मुझे आग जला कर बैठी मैं तो नादानी, अपने घर को दिया मिटाए, शोहर की नजरों से गिर गई, भाई बिरादर ना अपना, शोहर की नजरों से गिर गई। तुझ पे खुदा का अजाब पड़े, तूने दौलत के लिए मेरी बेटी को इतनी बेरहमी से मार दिया, तुझे मैं तो क्या, अल्लाह भी कभी माफ नहीं करेगा। थानेदार साहब, आप इन दहेज के लोभियों को ऐसी सजा दिलाओ कि फिर कोई बेटी दहेज की खातिर मौत के मुंह में ना जाए। अब्दुल, सब्र से काम लो, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, इन्हें सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। हवलदार, तुम पंचनामा की तैयारी करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी साहब। बेटी की देखी वो बोली
जैसे जिंदा दिया जलाए, होश में आओ अब जला दो। बेच रहे हो क्यों ईमान, माल दहेज की खातिर क्यों तुम बेकसूर की लेते जान। दुल्हन ही दहेज हर घर में, पहुंचा दो ये पैगाम प्यार मोहब्बत के रिश्ते को। क्यों करती हो तुम बदनाम, दीन इस्लाम की यही नसीहत, किसी के दिल को नहीं दुखाए दीन इस्लाम की यही नसीहत। नंद थाने में जाए, जैसी ही करनी वैसी भरनी, इसको कोई टाल न पाए। दुल्हन से पढ़ के न दौलत, दुल्हन सबका वंश चलाए, करो कत्र दुल्हन की ही लोगो। जुल्म सितम ना इस पे ढाए, दुल्हन सबके घर का गहना, सोना चांदी काम न आए, नहीं प्यार से मियाँ बीवी, घर जन्नत जैसा हो जाए, रहे प्यार से मियां बीबी। हवलदार, इन माँ बेटी को तो ले चलो थाने। और सुनो, इस लड़की के ससुर आप हैं? जी हाँ, मैं ही बदनसीब इसका ससुर हूँ। आप भी चलिए। और ये आपका बेटा कौन है? इस लड़की का शौहर कौन है? जी मैं हूँ इसका शौहर। चलिए, आपके भी बयान लिए जाएंगे।